शाहरुख हुसैन ने 12वीं की छात्रा अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया, लेकिन यहां उसका निधन हो गया। झारखंड में एक तरफ राजनीतिक संकट को लेकर उठापटक तेज थी, तो दूसरी तरफ दुमका की बेटी के निधन ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे ने अंकिता को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। 23 अगस्त 2022 को घायल गंभीर रूप से उसे दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया। यहां अंकिता हिम्मत हार गई और इलाज के दौरान उसका निधन हो गया। आरोपी शाहरुख हुसैन हमेशा युवती को परेशान करता था, दोस्ती करने के लिए दबाव बनाता था। शाहरुख उसे हर बार अंजाम भुगतने की धमकी भी देता था। अंकिता अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। अंकिता 23 अगस्त को घर पर सोई थी, तभी खिड़की से आरोपी ने युवती के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। अंकिता प्लस टू गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसके कुछ सपने थे। अंकिता अपने परिवार को मजबूत करना चाहती थी। तीन भाई बहनों में मंझली अंकिता घर को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहती थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, छोटा भाई 6वीं क्लास में पढ़ता है। पिता संजीव सिंह दूसरे के किराने की दुकान में काम करते हैं। यह पूरा मामला उस वक्त चल रहा था जब राज्य में राजनीतिक संकट की खबर सुर्खियों में थी। पीड़िता के निधन के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में आरोपी शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में इस वक्त राजनीति तेज है, तो इस मामले को लेकर भी अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का प्रयास था, और जब हमारी हिंदू बेटी अंकिता ने इसको डिनाई कर दिया, उसके झांसे में नहीं आया, उस लड़के के झांसे में नहीं आया, और बड़ा ही हिम्मत से लड़की ने पेश आई अपने आप को, और जिसके चलते दबाव में 4:30 बजे भोर आकर और आग के पेट्रोल जो है छिड़क कर आग लगाने का करके जो मारने का काम किया है इस दरिंदे ने, तो वर्तमान हेमंत सरकार के दबाव में ये प्रशासन यहाँ काम कर रही है। नाबालिग को बाली लिख दिया गया है, एफ आई आर में 302 नहीं लगाया गया है, पुस्को एक्ट नहीं लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता के दबाव में प्रशासन काम कर रही है। मैं प्रशासन से और सरकार से मांग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अविलंब उसमें आप पुस्को एक्ट को जोड़ें, नाबालिग है सर्टिफिकेट में ये तो नाबालिग लिखें आप, और 302 का धारा लगाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला को लेकर अविलंब दरिंदों को फांसी दे और सरकार सुनिश्चित करे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। हम चाहते हैं सर उसको फांसी की सजा होना चाहिए, लड़का को फांसी भी मेरे कम है, मेरी बेटी तड़प के मरी है गोदी में रिम्स हॉस्पिटल में, तड़प के मरी है, कसम खा गई पापा उसको बचाने वाली, कसम पापा उसको छोड़िएगा नहीं। मामला काफ़ी दुखद है और जघन्य अपराध हुआ है, अपराधी आज कानून के गिरफ्त में है। हमारा मांग है पूरे पंचायतवासियों की ओर से कि शाहरुख को जो है फांसी की सजा दी जाए, उससे कम पंचायतवासियों को मंजूर नहीं है, ताकि कोई भी शाहरुख पुनः इस प्रकार का जो है सोचने से पहले भी जो है कतरा दे। हम प्रशासन से मांग करते हैं बाकी लोगों का भी गिरफ्तारी जल्द हो, और साथ ही साथ फर्स्ट एड कोर्ट के माध्यम से जल्द फांसी हो, और जो है मृतक को जो है उनके परिजनों को मुआवजा मिले और साथ ही साथ सरकारी नौकरी मिले। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि दुमका में अंकिता को लज जलाए जाने के मामले में वहां के डीएसपी नूर मुस्तफा ने शुरू में अभियुक्त शाहरुख हुसैन को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि डीएसपी ने दर्ज FIR में नाबालिग की जगह बालिग लिखवा दिए जाने की बात कही जा रही है। डीएसपी के खिलाफ दुमका समेत पूरे राज्य के लोगों में आक्रोश है, उनके वहां रहने से न्याय की उम्मीद नहीं है। ट्वीट में उन्होंने आगे मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इससे पहले कि मामला और बिगड़े, इस षड्यंत्रकारी डीएसपी नूर मुस्तफा पर FIR दर्ज कर उसे जेल भिजवाइए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी इस पूरे मामले पर कहा है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, हमने 2 बार जिला अधिकारी से बात की है, स्पीड ट्रायल कराई जाएगी, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस घटना को लेकर आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है, राज्य में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।